अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि वो महाजिरों के लिए अपनी गर्दन कटवा देंगे। जरा गौर से अल्ताफ हुसैन को देखिए, उनकी तो गर्दन ही नहीं, उनका फेस डायरेक्ट जिस्म के साथ चिपका हुआ है। जो चीज है ही नहीं वो तुम महाजिरों के लिए कैसे कटाओगे अल्ताफ हुसैन? माजी में अल्ताफ हुसैन के गुर्दे का बड़ा चर्चा रहता था। जहाँ उनकी जान पर बनाती थी वो गुर्दे के दर्द का बहाना लेकर अब्बासी शहीद अस्पताल की नर्सों की गोद में जाकर सो जाया करते थे। आखिरी बार वो गुर्दे के इलाज का बहाना लेकर ही लंदन रवाना हुए थे। कुछ दिनों तक गुर्दे के इलाज का तस्करा रहा, अब न वो गुर्दा है और न दर्दे गुर्दा। अल्ताफ अगर तुम्हारे दिल में दिल गुर्दा है तो कराची वापस आ जाओ। अल्ताफ की लंदन दवानगी भी एक इबरतनाक बात है। 1992 में जब उसने अपनी सालगिरह ईद मिलादुन्नबी के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह के दिन के साथ मिलाकर मनाई थी और ऐलान किया था कि उन्हें हजरत खुदैजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी बीवी चाहिए, वही दिन उनकी जिंदगी का पाकिस्तान में आखिरी दिन साबित हुआ। कुदरत ने उनकी इस नापाक जसारत पर उन्हें ये सजा सुनाई कि वो आज तक पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम न रख सके। क्यों अल्ताफ, ठीक कहा ना मैंने? हिम्मत है तो आओ अल्ताफ हुसैन, जल्दी कराची आओ। जिन दिनों ये अल्ताफ कराची में इज्जतदार माओ और बहनों के एमक्यूएम में शामिल होने के लिए इंटरव्यू किया करते थे, उन दिनों एक जुमला एमक्यूएम के इज्जतदार हलकों में बहुत मकबूल हुआ था कि इज्जत दो इज्जत लो, इज्जत दो इज्जत लो। अल्ताफ और उनके हवारियों ने कराची के लड़कियों की जो इज्जत अफजाई की, इसका सबूत उससे मुनहरिफ होने वाले बॉडीगार्ड ने अपने इंटरव्यूज में कराची के तमाम अखबार को फराहम कर दिया था। बोलो अल्ताफ, ठीक कहा ना मैंने? मरहूमा नाजिया हसन हो या कोई भी हो, अल्ताफ की रंगीन दास्तानियाँ तारीख का हिस्सा जरूर बनेंगी और उसके बगैर बनेंगी जिससे अल्ताफ बहुत डरते हैं, यानी एजेंसी। सलीम शहजाद ने अल्ताफ को जिन जिन लड़कियों से मुतारिफ करवाया था उनमें से बहुत सी लड़कियों के तारीफी वाकयात बहुत लोग जानते हैं। अल्ताफ कराची आ जाओ, ये लड़कियाँ तुम्हारा इस्तकबाल करना चाहती हैं, ये लड़कियां तुम्हारा इस्तकबाल करना चाहती हैं। आ जाओ अल्ताफ। अल्ताफ अगर तुम्हें सियासत में एजेंसियों से इतना ही खतरा है तो तुम और तुम कराची के महाजिरों के लिए मुखलिस हो तो मेमन और इस्माइली कम्युनिटी की तकलीर करते हुए कराची के महाजिरों के लिए छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बना देते? उन्हें माशी तौर पर खुशहाल क्यों नहीं बना देते? उन्हें सियासत की आग में क्यों जोड़ते हो? उन्हें सड़कों पर क्यों मरवाते हो? उन्हें भत्ता लेने क्यों भेजते हो? अल्ताफ तुम्हें तो सिर्फ अपनी खुशहाली, अपनी सालगिरह और अपनी बेटी की सालगिरह क्यों प्यारी है? अल्ताफ कराची आ जाओ, हम तुम्हारी सालगिरह मनाना चाहते हैं। पहुंचो कराची इससे पहले कि तुम्हारी आखिरी सालगिरह हो। कराची पहुंचो कि हम मनाएं तुम्हारे साथ तुम्हारी सालगिरह।